प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज एमए सेकेंड सेमेस्टर के हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल अप टू मौर्यन पीरियड पेपर के चौथी यूनिट के महाजनपद युग टॉपिक पर चर्चा करूंगी। इस टॉपिक का अध्ययन हम लोग तीन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला बिंदु राज्यों का उदय है, जिसके अंतर्गत राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों ही प्रकार के राज्य सम्मिलित थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किन परिस्थितियों में इन राज्यों का उदय हुआ एवं ये राज्य किस प्रकार से राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से संचालित होते थे, इसका अध्ययन करेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के षोडश महाजनपदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों ही प्रकार के राज्य सम्मिलित थे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 10 गणराज्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग महाजनपद युग और इसके पहले बिंदु राज्यों के उदय का अध्ययन कर लेते हैं। महाजनपद युग का समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। इस काल में बड़ी संख्या में अर्थात 16 की संख्या में राज्यों अथवा महाजनपदों का उदय होता है। इसी कारण से इस काल को महाजनपद युग के नाम से भी जाना जाता है। नगरीय सभ्यता के संदर्भ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। इसी के साथ ही साथ इसी काल में भारत के महान दार्शनिक गौतम बुद्ध के आविर्भाव के कारण भी इसे बुद्ध युग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के क्रमिक तथा प्रामाणिक राजनीतिक इतिहास की जानकारी महाजनपद युग अर्थात छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही होने लगती है, जबकि इसके पूर्व का राजनीतिक इतिहास अनुश्रुतियों तथा पुराणों पर आधारित है। नगर राज्यों का उदय होना इस काल की प्रमुख विशेषता थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष इस समय कुल 16 राज्यों अर्थात महाजनपदों में विभक्त था। इस युग में उत्तर प्रदेश तथा बिहार अर्थात यूं कह लीजिए कि गंगा घाटी क्षेत्र में लौह तकनीक का आरंभ होता है। लौह तकनीक के प्रयोग से तथा उसके साथ ही साथ सिक्कों के प्रचलन से लोगों के भौतिक जीवन का विकास होता है। कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों का समुचित विकास होता है, जिससे उनका अधिशेष उत्पादन होता है, जिस कारण से इस समय का जनजीवन सुखी तथा समृद्ध होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल के जो छोटे छोटे क्षेत्रीय तथा कबीलाई राज्य थे, वे अब बड़े बड़े राज्यों अथवा महाजनपदों के रूप में परिवर्तित हुए। अनेक जनपदों की संख्या होने के कारण इन्हें महाजनपद अथवा महाजनपद युग के नाम से जाना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में कुल 16 महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, जिनमें इनकी 16 की संख्या उल्लिखित है। यद्यपि दोनों ही ग्रंथों में उल्लिखित सूचियों में कुछ अंतर मिलता है, परंतु दोनों में ही इनकी जो संख्या है वो 16 ही उल्लिखित है। इन महाजनपदों के नाम को देख लेते हैं, कौन कौन से 16 महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में विद्यमान थे। तो इनमें सबसे जो पहले राज्य से ये सूची आरंभ होती है उसमें काशी का नाम आता है। पहला राज्य काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती,
गांधार तथा कंबोज। इनमें से जो 14 महाजनपद अर्थात काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 14 जो महाजनपद थे ये राजतंत्रात्मक थे तथा वज्र और मल्ल जनपद गणतंत्रात्मक थे। इन 16 महाजनपदों का विस्तृत अध्ययन हम लोग पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इन सभी महाजनपदों में एक प्रकार की शासन पद्धति का अभाव मिलता है। कहीं ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों के अंतर्गत संचालित हो रहे थे तो कभी कभी गणतंत्रात्मक शासन प्रणालियों से संचालित होते थे। कहीं कहीं कुछ अंशों में दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रकार से महाजनपद युग में 2 प्रकार की मुख्य शासन प्रणालियाँ विद्यमान थीं। पहली शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक या राजतंत्रीय थी और दूसरी गणतंत्रात्मक या गणतंत्रीय। राजतंत्र अथवा राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में एक व्यक्ति विशेष का शासन होता था जिसे हम राजा, राज, महाराजा, महाराजाधिराज, सम्राट इत्यादि नामों से संबोधित करते थे। इस व्यवस्था में राजा का पद या राजपद वंशानुगत होता था, पैतृक होता था। राजा का पुत्र ही राजा बनता था, यद्यपि कुछ लोगों के योग्य होते हुए भी उन्हें राजा नहीं बनाया जाता था, जैसे कि अंधे तथा विकलांग लोग राजा नहीं बनाए जा सकते थे। फिर भी राज परिवार का ही कोई अन्य व्यक्ति राजा बनाया जाता था। महाजनपदों में काशी, अंग, मगध, कौशल, वस, सूरसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अश्मक, ये राजतंत्री व्यवस्था से संचालित जनपद थे जिनमें प्रायः साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ गणतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत राजपद पैतृक अथवा वंशानुगत नहीं होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा का चुनाव किया जाता था जो स्वेच्छाचारी नहीं होता था। गणतंत्री व्यवस्था लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर आधारित थी जिसे हम पंचायती राज भी कह सकते हैं। इन गणों का शासन जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करते थे। इसमें राजपद का निर्वाचन हुआ करता था। चुनाव के द्वारा ही कोई व्यक्ति राजा बनता था। 16 महाजनपदों में गणतंत्री शासन व्यवस्था से संचालित वज्र संघ 8 गणराज्यों का संघ था तथा जबकि वहीं पर मल्ल जनपद 2 राज्यों का संघ था। इस प्रकार 6 शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 10 गणराज्यों का अस्तित्व विद्यमान था। ये गणराज्य प्रायः हिमालय की तलहटी में स्थित थे। संभव है कि जब गंगा घाटी में जन से जनपद की प्रक्रिया चल रही थी तब ये सभी कबायली जीवन से प्रभावित लोग हिमालय के इन प्रदेशों में आकर के बस गए हों और इस प्रकार से इनकी जो अवस्थिति हमें मिलती है, अधिकांशतः जो गणराज्य हैं वे हिमालय के तलहटी प्रदेश में ही स्थित मिलते हैं। इन 10 गणराज्यों का विस्तृत अध्ययन हम लोग अगली वीडियो पार्ट 3 में करेंगे। जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, 6 शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का अध्ययन हम लोग पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।